Today we will continue chapter 3 of history for class 12th and chapter name is kinship, caste and class. आज हम करने वाले हैं टॉपिक जातीज इंफॉर्मेशन फ्रॉम मांदेसर इंस्क्रिप्शन। तो मांदेसर के अभिलेख से हमें क्या सूचनाएं मिली जाति के बारे में वो हम आज देखेंगे। तो द सोशल कैटेगरी आर रेफर टू ए जाति, जो सामाजिक वर्गीकरण था उसको जाति के नाम से जाना जाता है। लाइक वर्ना जाति वॉज ऑल्सो बेस्ड ऑन बर्थ, जैसे कि हमने देखा वर्ण जो हैं वो बेसिकली डिपेंड करता है जन्म पर, उसी तरह से जाति भी जो डिपेंड करती है वो भी जन्म पर ही डिपेंड करती थी। द वर्ना वर फिक्स एट 4 बट देयर वर नो रिस्ट्रिक्शन ऑन नंबर ऑफ जातीज, जो वर्ण थे वो हमें पता है केवल 4 ही थे, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र, जबकि जातीज की जो संख्याएं थी उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं था, यानी कि वो कितनी भी हो सकती थी। इन फैक्ट वेन एवर ब्राह्मणिकल अथॉरिटीज एनकाउंटर्ड न्यू ग्रुप दैट डिड नॉट फिट इनटू द फोरफोल्ड ऑफ द वर्ण सिस्टम दे क्लासिफाइड देम एज जाति, वास्तव में जब भी ब्राह्मण समुदाय के द्वारा, ये जो ब्राह्मण अधिकारी लोग होते थे उनके द्वारा कोई भी नया ग्रुप, कोई भी नया समूह निकल के सामने आता था और वो किसी भी वर्ण सिस्टम में, यानी कि ना तो उन्हें हम ब्राह्मण मान सकते हैं ना ही उन्हें क्षत्रिय वैश्य और शूद्र, इन चारों में से जब उन्हें कुछ भी नहीं माना जाता था तो उन्होंने उन्हें क्या बना दिया, उन्होंने उन्हें जाति बना दी कि भाई आप जो हैं वो एक जाति से संबंध रखते हैं, उन्हें वर्ण में नहीं डाला गया, उन्हें सीधा जातियों में डाल दिया गया। फॉर इंस्टेंस पीपल लिविंग इन फॉरेस्ट सच एज निषाद वर क्लासीफाई एज जाति, जैसे जंगल में रहने वाले जो लोग थे उन्हें ना तो ब्राह्मण माना जाता था, ना क्षत्रिय, ना वैश्य, ना शूद्र, उनकी एक जाति होती थी जिसमें उन्हें निषाद नाम दिया गया था। अगर आपको ध्यान हो रामायण में, तो रामायण में जो वो नाव में पार कराने का काम करते हैं तो वो जहाँ पे थोड़े टाइम के लिए रुकते हैं तो वो निषाद राजी थे, जो केवट ने उन्हें नैया से पार करवाया था नदी को, तो वो केवट जो हैं वो निषाद वाले ग्रुप से ही संबंधित थे। जातीज विच शेयर अ कॉमन ऑक्यूपेशन और प्रोफेशन वर सम टाइम ऑर्गेनाइज इनटू श्रेणी और गिल्ड, जो जातियाँ एक ही कॉमन ऑक्यूपेशन यानी एक ही तरह के व्यवसाय, एक ही तरह का काम धंधा जब वो लोग करते थे तो उन्हें एक अलग नाम दे दिया जाता था जिन्हें श्रेणी या फिर गिल्ड कहते थे। द स्टोन इंस्क्रिप्शन फाउंड इन मंदसौर प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द सोशल प्रोसेस एंड नेचर ऑफ गिल्ड्स, तो जो पत्थर के अभिलेख हमें मंदसौर से मिले हैं उसमें हमें इस बात की सूचना मिलती है कि प्रकृति या जो भी गिल्ड थे उनका नेचर, उनके कार्य जो हैं सामाजिक कार्य, उनके बारे में हमें बहुत सारी जानकारी इससे प्राप्त होती है। इट रिकॉर्ड द हिस्ट्री ऑफ अ गिल्ड ऑफ सिल्क वीवर हु ओरिजिनली लिव इन लेट गुजरात एंड शिफ्टेड टू मंदसौर अलोंग विद देयर किंग फोल्क एंड चिल्ड्रन, एक रिकॉर्ड के अनुसार जो कि हमें इतिहास का मिलता है उसके अनुसार एक गिल्ड जो है जो कि सिल्क वीवर्स का था, यानी कि रेशम के जो बुनकर थे उनका एक पूरा समुदाय क्या करता है, गुजरात के एक जगह से शिफ्ट होकर के मंदसौर में पहुंचता है अपने पूरे परिवार, अपने पूरे बच्चों के साथ, यानी पूरा समुदाय का समुदाय उनके बच्चों के साथ शिफ्ट करता है और इस शिफ्टिंग का रिकॉर्ड जो है वो इतिहास से हमें प्राप्त होता है। द मेंबरशिप ऑफ द गिल्ड वॉज बेस्ड ऑन शेयर क्राफ्ट स्पेशलाइजेशन, सब मेंबर्स अडॉप्टेड डिफरेंट ऑक्यूपेशन, जो गिल्ड की मेंबरशिप थी वो बेस किस पे करती थी कि आपको कौन सा क्राफ्ट या आप किस कला के अंदर माहिर हैं उस कला की समझ के अकॉर्डिंग ही
आपको उसके गिल्ड के अंदर मेंबरशिप मिलती थी। सब मेंबर्स अडॉप्ट डिफरेंट ऑक्यूपेशन, जबकि कुछ मेंबर्स ऐसे भी होते थे उसी फॉलशिप के जो कि दूसरी तरह के व्यवसाय करते थे। द इंस्क्रिप्शन इन्फॉर्म अस दैट अपार्ट फ्रॉम द कॉमन प्रोफेशन शेयर बाय द मेंबर, दे ऑल्सो कलेक्टिवली डिसाइड टू इन्वेस्ट देयर वेल्थ एंड थ्रो क्राफ्ट एंड कंस्ट्रक्टेड ए स्प्लेंडेड टेम्पल इन ऑनर ऑफ द सन गॉड। एक अभिलेख से हमें इस बात की भी जानकारी मिली है कि कुछ एक जैसे काम धंधे को करने वाले लोगों के समूह ने क्या डिसाइड किया, इकट्ठे रूप से ये डिसाइड किया कि वो अपने धन को और जो भी उनके क्राफ्ट से होने वाली उनकी अर्निंग है उसे वो लोग दान में देंगे और वहाँ पर सूर्य भगवान के सम्मान में एक मंदिर को बनाएंगे। तो सूर्य भगवान का एक मंदिर जो बनाया गया है वो उन्हीं मेंबर्स के द्वारा बनाया गया है जो एक ही तरह के कॉमन प्रोफेशन को यानी कि कॉमन काम को करते थे। बियॉन्ड द फोर वर्णा, अब चार वर्णों से परे हमें इसमें देखना है। देयर वर पॉपुलेशन हुज सोशल प्रैक्टिस वर नॉट इन्फ्लुएंस ब्राह्मणिकल आइडियाज सच एज निषाद नोमेडिक पैस्टोरिक एक्सेट्रा। देयर वॉज अ शेयरिंग ऑफ आइडिया एंड बिलीव बिटवीन दीज पीपल। अब यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि कुछ ऐसे लोग भी थे जो कि ब्राह्मणवादी विचारधाराओं से बिल्कुल भी प्रभावित नहीं थे और वे अपने सामाजिक कार्यों को बिल्कुल अलग ढंग से करते थे, जैसे कि निषाद और जो बंजारे होते हैं कबीले के बंजारे, वो भी जो ब्राह्मणों के द्वारा उनके ग्रंथों में लिखा गया है उसके अनुसार वो कुछ भी कार्य नहीं करते थे। तो ये इन लोगों ने अपने विश्वास और अपने आइडियाज जो हैं वो खुद से ही प्रिपेयर किए हुए थे। नेक्स्ट है अनटचेबल एंड ड्यूटीज प्रिस्क्राइब फॉर देम इन मनुस्मृति एंड शास्त्र। तो यहाँ पर हम लोग पढ़ने वाले हैं शूद्रों के बारे में और उनके कर्तव्यों के बारे में जो कि मनुस्मृति और दूसरे शास्त्रों में निहित थी। द ब्राह्मणास कंसीडर सम सोशल कैटेगरी एज अनटचेबल। तो ब्राह्मणों ने कुछ सामाजिक जातियों को या कुछ सामाजिक वर्गों को अनटचेबल यानी कि शूद्र कहा था। दे वर प्राइमरली कनेक्टेड विद द परफॉर्मेंस ऑफ रूटल विच दे कंसीडर एज प्योर। तो वो बेसिकली उन तरह के एक्टिविटी से अपने आप को जुड़ा हुआ समझते थे जो कि समाज के अंदर बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती थी। जैसे कि ब्राह्मण जो है वो सबसे ऊंचे तबके के होते थे और उनका मानना था कि वो बहुत ही अच्छी कार्य करने के लिए धरती पर पैदा हुए हैं। तो ये लोग प्राय क्या करते थे, ये लोग सो दे अवॉइडेड टेकिंग फूड फ्रॉम अनटचेबल्स। तो ये लोग क्या करते थे कि फूड जो है वो अनटचेबल्स के हाथ से शूद्रों के हाथ से बिल्कुल भी फूड नहीं लेते थे, भोजन नहीं लेते थे। सम एक्टिविटी वर रिगार्डेड एज पोल्यूटिंग और कुछ एक्टिविटीज़ को कुछ कार्यों को उनके द्वारा बिल्कुल दूषित ठहरा दिया जाता था, यानी कि जिनको करने से दूसरे का धर्म भ्रष्ट होता था इस तरह की एक्टिविटी वो उन्हें मानते थे। ये एक्टिविटी कौन कौन सी थी, दिस इंक्लूडिंग हैंडलिंग कोरस एंड डेड एनिमल, दोज हु परफॉर्म सच टास्क वर नोन एज चंडाल। उनके हिसाब से जो ऐसी लाशें थी जिनको बारे में कोई भी नहीं जानता था और कुछ जानवर जब मर जाते थे तो उनकी लाश के साथ जो लाश में दाह संस्कार किया जाता है वो चंडाल नाम की इन्हीं जातियों को से करवाया जाता था। देवर प्लेस एट द वेरी बॉटम ऑफ द सोशल हायरार्की और समाज के वर्गीकरण में वो सबसे नीचे थे स्थान के अनुसार। टचिंग एंड सीइंग देम वॉज रिगार्डेड एज पोल्यूटिंग बाय द ब्राह्मणास। तो अगर उन्हें छू लिया जाए या देख लिया जाए केवल तभी से ही उन्हें उनके द्वारा अपने आप को दूषित समझ लिया जाता था। द मनुस्मृति लेट डाउन द ड्यूटीज ऑफ द चंडाल। तो मनुस्मृति में चंडाल की इन ड्यूटीज के बारे में लिखा हुआ है। दे हैड टू लीव आउटसाइड द विलेज, यूज डिस्कार्डेड यूटेंसिल एंड वियर क्लोथ ऑफ द डेड एंड ऑर्नामेंट्स ऑफ आयरन।
ये लोग जो हैं गांव से बाहर इन्हें रहने को कहा जाता था। इन लोगों को जो बेकार बर्तन हैं, जो बिल्कुल ख़राब बर्तन हो चुके हैं, वो यूज़ करने के लिए दिए जाते थे, और इन्हें जो मरे हुए व्यक्ति हैं उनके कपड़े पहनने के लिए दिए जाते थे। ये लोग जो आभूषण डालते थे वो लोहे के होने चाहिए। दे कुड नॉट वॉक एंड आउट इन विलेज एंड सिटीज एट नाइट। वो लोग रात को गाँव में और शहरों में नहीं जा सकते थे। दे हैड टू डिस्पोज ऑफ द बॉडी ऑफ दोज हु हैड नो रिलेटिव्स एंड सर्व एज एग्जीक्यूशनर। तो ये लोग को, उन लोगों को भी मारना होता था या उन लोगों की बॉडी का दाह संस्कार करना होता था जिनके रिलेटिव्स के बारे में किसी को कुछ नहीं पता होता था, और उसके साथ साथ ये लोग फांसी की सज़ा देने वाले जलाद का भी काम करते थे। ठीक है, तो आज हमने वर्ण व्यवस्था को देखा, जाति को देखा कि जाति किस तरह से बनाई गई थी, और लोगों के द्वारा वर्ण व्यवस्था या ब्राह्मणों के द्वारा वर्ण व्यवस्था किस तरह से स्थापित की गई थी हमने अपने आज के इस वीडियो में जाना। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे ऑब्जर्वेशन मेड बाय फाजियान एंड युआन जेंग के द्वारा जो ऑब्जर्वेशन की गई उसको हम लोग देखेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ तक आपको अपने नोट्स प्रिपेयर करने हैं। थैंक यू सो मच।